आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसालेदार अंडा करी की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है, इसको गर्म हो जाने देंगे। ये देखिए गर्म हो गया है। अब देखिए 150 ग्राम मैंने सरसों तेल लिया है, इसको डाल देंगे इसमें। ये देखिए मैंने 8 अंडे लिए हैं बॉईल करके, इसको फ्राई कर लेंगे। इसमें सब डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। अंडे का ये मसाला अगर अंडा करी है बहुत ही टेस्टी बनती है। जब ये सब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब इसको निकाल लेंगे। देखिए मेरे अंडे सारे फ्राई हो गए, उसको निकाल लेंगे। इसको देखिए मैंने निकाल लिया है, इसी तरह सारे निकाल लेंगे। मेरे अंडे सारे फ्राई हो गए हैं। अब इसी में मैंने थोड़ी सी मेथी दाना डाल देंगे, इसको अच्छे से चटकने देंगे। अब देखिए मैंने ये 3 मीडियम साइज की प्याज ली है, 2 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच भर के काली मिर्च, इसको मैंने पीस लिया है। और इसी में अब मैं ऐड करूंगी 3 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। आप चाहें तो नमक और लाल मिर्च अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा। अब इसी को इसमें मिक्स कर देंगे। इसी में इसको मिक्स कर देंगे। कर लिया है अदरक लहसुन का जो मैंने लिया था, अब इसको डाल देंगे। इसमें तेल मेरा लाल हो गया है, इसमें ऐड कर देंगे इसको। इसको पूरा निकाल लेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट, जब तक तो इसका कच्चापन ना दूर हो जाए। ये अंडा करी मसालेदार है, इसमें जितना अच्छे से मसाला डालेंगे उतनी ही अच्छी लगेगी। ये 1 क्वार्ट अंडा करी है, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो आप आलू बॉईल कर लीजिए और अच्छी सी टेस्टी सी बना के अंडा करी खाइए। बस इसको अच्छे से भूनना है। ये जो काली मिर्च मैंने डाली है यही इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, इसी से इसको समझ लीजिए जान आती है, इसी से इसका टेस्ट बढ़ता है। इसको अच्छे से भूनेंगे, पहले हाई फ्लेम पे भूनेंगे, फिर जब ये लगने लगेगा तब इसको लो फ्लेम पे करेंगे। देखिए इसको भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, तो फिर हाई फ्लेम पे भूनेंगे और अच्छे से। इसका मसाला जितना आप भूनेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। इसका नाम है मसाला अंडे का, मसाला अंडा करी। ये सिर्फ अंडा करी नहीं है, मसालेदार है, क्योंकि इसमें मसाले का बहुत ज़्यादा टेस्ट महसूस इन्फ्लुएंस होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जितना भूनेंगे उतना ही अच्छा आएगा। इसका कच्चापन आपको निकालना है, ये नहीं कि जल्दी से बंद कर लें, 10 से 15 मिनट लगे लेकिन अच्छे से भूनिए तभी इसका टेस्ट आएगा। देखिए अभी इस स्टेज में हम
एक मीडियम साइज के टमाटर को डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। टमाटर जानते ही जिस खाने में पड़ जाए टमाटर अच्छा ही लगता है। तो अच्छे से भून, देखिए एकदम जबरदस्त इसी अंडा करी एकदम रेडी होने ही वाली है। समझिए इसका मसाला तो अच्छा खासा भुना गया है, लेकिन कुछ देर और इसको भुनेंगे, इसमें थोड़ा सा कसर है वो पूरी हो जाए। लाजवाब टेस्टी, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है अंडा करी के। ये आप ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है इसको बनाना, इसको कोई भी बना सकता है। इसको टमाटर डालने के बाद इसको और अच्छे से भूनेंगे ताकि टमाटर एकदम पिस जाए, इसमें समझिए। और जो थोड़ा सा कच्चा बने ये अभी और कुछ देर भूनेंगे। ये देखिए मेरा मसाला 10 से 15 मिनट लगा है तकरीबन, और ये भून के एकदम रेडी है। अब इसमें जो मैंने अंडे फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है अंडा करी मसालेदार, ज़बरदस्त खुशबू के साथ ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। इसको थोड़ा देर भूनेंगे अंडे को इसी तरीके से, हाई फ्लेम कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ना करिएगा तेज करके इसको जला लीजिएगा। जैसे ही लगने लगे धीमा कर दीजिएगा कि इसमें पानी ऐड मैंने नहीं किया है। थोड़ा देर बाद इसको भूनेंगे। तकरीबन एक मिनट ध्यान से करिएगा कि अंडे ना खराब हो जाए इसमें। इसमें एक गिलास पानी को ऐड कर देंगे। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप ठीक खाना चाहते हैं इसका सालन तो कम डालें। इसको डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे, इसको हाई फ्लेम पर रखेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका मसाला लगा है वो इसमें आ जाए पानी में, अंडे के सालन में। जबरदस्त सी अंडा करी रेडी होने वाली है। इसका लीड लगा देंगे, इसको हाई फ्लेम पे एकदम समझ लीजिए बॉईल, अच्छे से ये बॉईल हो जाए। ये देखिए फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ये हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है। ये देखिए जबरदस्त सा बॉईल हो गया, एकदम अच्छा अंडा करी की खुशबू आ रही है। अब बस इसको निकाल लेंगे, इसको सर्व करेंगे। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती को ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। ये देखिए जबरदस्त अंडा करी तैयार है। इसमें निकाल लेंगे इसको, बहुत ही खुशबू बहुत ही स्वादिष्ट अंडा करी तैयार हुई है। यूँ ही झटपट, इसमें कुछ नहीं करना है, ये तुरंत ही बन के रेडी हो जाती है। और मसालेदार देखिए मसाला कितना ठीक है, कितना अच्छा इसका मसाला है। मसाले की सी ग्रेवी कितनी अच्छी आई है। ये देखिए मेरी मसालेदार अंडा करी रेसिपी तैयार हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बन के तैयार हुई है। इसको और ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।